रविवार का दिन गरीब कल्याण की दृष्टि से मध्य प्रदेश के इतिहास में दर्ज होगा। मैं टीकमगढ़ में जब चुनाव प्रचार के लिए गया था पृथ्वीपुर विधानसभा में, टीकमगढ़ जिले में भी पृथ्वीपुर का कुछ हिस्सा आता है, एक गांव में रोक के कुछ लोगों ने इकट्ठे खड़े से रोका, मैं उतरा तो मैंने पूछा बताओ क्या बात है, तुमने समस्या बताई कि रहने की जगह नहीं है, फिर अब रह कहां रहे हो? तो उनका रह तो उसी में रहे घर में, लेकिन दादाजी के चार बेटे हो गए, उनकी चार बहुएं आ गई, फिर उनके चार चार हो गए, तो हालत यह है कि हम 50-50, 60-60 लोग इस जरा से मकान में रह रहे हैं, सोने की जगह नहीं है, तो बारी बारी से सोते हैं। और तब हमने ये कल्पना की थी कि हम एक योजना लेके आएंगे जिसमें ऐसे भाई बहन गरीब, वो किसी भी वर्ग के हों, अगर रहने की जगह ही नहीं है परिवार बड़ा हो जाने के कारण, तो उनको रहने के लिए निःशुल्क हम प्लाट उपलब्ध कराएंगे ग्रामीण क्षेत्रों में। और अब फिर बनी मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना, और कल टीकमगढ़ जिले से इन प्लाट का वितरण प्रारंभ हो रहा है। कल 10,500 परिवारों को टीकमगढ़ जिले में अकेले भूखंड के पट्टे का वितरण होगा, और लगभग 120 करोड़ रुपए की जमीन हम इनको बांटेंगे। और विशेष बात यह है कि पट्टा होगा पति पत्नी दोनों के संयुक्त नाम पे, पति भी पत्नी भी, और इस पे कोई प्रीमियम नहीं है, कोई भूभाटक नहीं है, पूरी तरह से निःशुल्क है। तो अपने आप में ये उन गरीब बहनों और भाइयों को जिनके पास रहने की जगह नहीं बची एक अद्भुत योजना है। अब रहने की जमीन नहीं तो बाकी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पाता, फिर उनको पीएम आवास भी नहीं मिलेगा, दूसरी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिलेगा, इससे भूखंड भी उनको मिलेगा, प्लाट भी मिलेगा, और फिर बाकी योजनाओं का लाभ भी मिलेगा उनको। आमतौर पर भूखंड का जो साइज है वो 600 वर्ग फीट है, परिस्थिति और स्थान के हिसाब से कहीं थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता आमतौर पर, और ये लगातार हम जारी रखेंगे बाकी जिलों में भी। टीकमगढ़ से इसका प्रारंभ कर रहे हैं, कल टीकमगढ़ से इसका शुभारंभ करेंगे। नए साल में गरीबों को नया सौगात, नई सौगात भारतीय जनता पार्टी की सरकार।